झारखंड का जामताड़ा। जामताड़ा का नाम आते ही जहन में साइबर ठगों की याद आ जाती है। कई फिल्में तो इस पर बन भी चुकी हैं, लेकिन इस बार जामताड़ा इसलिए चर्चा में है क्योंकि जामताड़ा के कई गांवों में, कई स्कूलों में करीब 100 पाठशालाएं ऐसी हैं जिन्हें धार्मिक प्रयोगशाला बनाने की साजिश की गई है। आरोप ये लग रहा है कि सरकारी स्कूल में मुस्लिम आबादी और उर्दू विद्यालय का हवाला देकर रविवार की बजाय शुक्रवार के दिन छुट्टी कराई जा रही है। इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। बीजेपी सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। स्थानीय प्रशासन जो है उसने खामोशी धारण की हुई है, और इस सब के बाद अगर कोई बचता है तो वो है सरकार, जिसकी नींद अब खुली है और अब वो ये पता करने की कोशिश कर रही है कि जामताड़ा के स्कूलों में हो क्या रहा है, जांच की बात कह रही है। जो फ्राइडे का पढ़ाई खत्म हो रहा है तो संडे को पूरा हो रहा है, तो ये बातें कहां से आ रही है, हमें समझ नहीं आ रहा है। सांप्रदायिक नाते इस झारखंड को तालिबान राज बना। कमेटी बनाएंगे और जांच करेंगे, जांच में दोषी पाया जाए कार्रवाई करेंगे। झारखंड में एक और बार तुष्टीकरण और वोट बैंक पॉलिटिक्स का एक और चेहरा सामने निकल कर आया है। झारखंड के जामताड़ा में ये उस स्कूल की तस्वीर है जो कहने को तो इसी मुल्क में है, लेकिन इस स्कूल को चलाने वाले सरकारी नियम और कायदे से अपने आप को ऊपर मानते हैं। आपको अजीब लगेगा सुनने में, लेकिन ये 100% सच है। यकीन नहीं होता तो स्कूल का मिड डे मील कार्ड देख लें। सोमवार को मिड डे मील में बच्चों को दाल, चावल और हरी सब्जी देंगे और साथ में एक अंडा भी। मंगलवार को चावल के साथ चने की सब्जी भी और नाश्ते में मूढ़ी भी। बुधवार को बड़ी युक्त चावल, दही, हरी सब्जी और साथ में सेब या केला। गुरुवार को चावल, दाल के साथ हरी सब्जी देंगे, लेकिन शुक्रवार को कुछ नहीं देंगे क्योंकि शुक्रवार को छुट्टी है। और छुट्टी भी क्यों, क्योंकि जुमे का दिन है। इसके बाद शनिवार को खिचड़ी बच्चों को स्कूल वाले देंगे, और रविवार को जब पूरे देश के स्कूलों में छुट्टी होगी तो जामताड़ा के स्कूल के बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि स्कूल के अंदर सरकार के बनाए सारे नियम कायदे खत्म हो जाते हैं। अब आप पूछेंगे इसमें विवाद क्या है, क्यों बवाल हो रहा है और क्यों सवाल पूछे जा रहे हैं। हम भी यही कहते हैं कि रविवार की जगह शुक्रवार को अगर छुट्टी हो रही है तो इसमें कौन सा आसमान टूट पड़ा। लेकिन जब ये सच बाहर आता है कि ना तो उर्दू स्कूल है और ना ही प्रशासन की ओर से कोई आदेश, ना ही सरकार ने छुट्टी में कोई बदलाव किया है, सिर्फ और सिर्फ स्थानीय लोगों के दबाव में स्कूल में छुट्टियां बदल दी गई हैं, तो फिर एक दो नहीं सैकड़ों सवाल बनते हैं। पहला सवाल ये कि जामताड़ा के शिक्षा अधिकारियों ने चुप्पी क्यों साध रखी है। दूसरा सवाल ये कि प्रिंसिपल ने शिकायत क्यों नहीं की, क्या किसी का डर था। तीसरा सवाल ये कि स्कूलों में हिंदू मुस्लिम में भेदभाव क्यों सिखाया जा रहा है। चौथा सवाल ये कि जहां मुस्लिम बहुसंख्यक होंगे वहां अपना कानून चलाएंगे। और पांचवा सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या स्कूलों को मदरसा बनाने की साजिश चल रही है। देखिए, जब से माननीय अरविंद के नेतृत्व में तब से वोट बैंक की राजनीति के साथ सांप्रदायिक ताकतों के आगे इस सरकार झुकने देते हैं। ये तालिबानी संस्कृति को ये सरकार इस संरक्षण में सांप्रदायिक ताकतें इस झारखंड को तालिबान राज बना। जिन स्कूलों को बच्चों को तरक्की के रास्ते पर ले जाना था वहाँ तालीम के नाम पर क्या सिखाया जा रहा होगा वो अब तक आप समझ ही गए होंगे। प्रिंसिपल तनख्वाह लेते रहे, मास्टर तनख्वाह लेते रहे, बाबू चपरासी सब तैनात है, लेकिन सिखाया क्या जा रहा है वो सुनिए। फ्राइडे को छुट्टी रहता है, संडे को खुला रहता है, यही मस्जिद सामने होता है, नमाज पढ़ते हैं सब बच्चा। कौन कहता है कि झारखंड अपने बच्चों के वास्ते शिक्षा के दरवाजे खोलना चाहता है।
इन स्कूलों को चलाने वालों ने तो जितना हो सकता था बच्चों की सोच पर धार्मिक ताला लटका दिया है। ये बोर्ड बताता है कि ये सरकारी विद्यालय है, सरकार के बनाए नियम कानून से चलना होगा, लेकिन जामताड़ा के विधायक को सुन लेंगे तो पता चलेगा कि बेकार का बवाल चल रहा है। शुक्रवार और रविवार में कुछ नहीं रखा। विद्या तो सभी धर्म के लोग हासिल करता है। अब विद्या में भी मुस्लिम और हिंदू होने लगे तो ये तो गलत बात है, छुट्टे आज से नहीं। जहां पर टोटली अल्पसंख्यक बच्चा हो मान लीजिए, तो ये नियम तो पहले से चला रहा है, इसमें मनमानी किस बात का है। वो इरफान अंसारी जामताड़ा के विधायक माननीय है, सरकारी आदेश के बारे में पूरी जानकारी हो, लेकिन शुक्रवार और रविवार में इनको कोई फर्क नजर नहीं आता। इस खबर में भी इनको बीजेपी की साजिश नजर आती है और बीजेपी बोल रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग को खुश करने का एजेंडा है। ये तो समाज को तोड़ने की बात है। अब बच्चे का दिमाग भाजपा खराब कर रही है, उनका जहन खराब कर रही है, उनका मानसिकता खराब कर रही है। बताइए कितना कभी कभी पढ़ते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है सब न्यूज हमको। जिस प्रकार से झारखंड में 100 से अधिक सरकारी स्कूलों की छुट्टी को संडे के बदले, जो कि डिपार्टमेंटल और ऑफिशियल हॉलिडे है, उसे बदलकर वोट बैंक के दबाव में फ्राइडे यानी जुम्मे के दिन कर दी गई है, ये झारखंड में कांग्रेस जेएमएम की सरकार जब से आई है तब से तुष्टिकरण की नीति के कई उदाहरण देखने मिल रहे हैं। पाकिस्तान में भी अब नियम बदल दिए गए, वहाँ भी शुक्रवार को सार्वजनिक छुट्टियाँ नहीं होती। लेकिन आरोप है कि स्थानीय लोगों के दबाव में झारखंड में करीब 100 स्कूलों में नियम और कानून को बदल दिया गया है। सरकारी स्कूल में मुस्लिम आबादी और उर्दू विद्यालय का हवाला देकर रविवार की बजाय शुक्रवार के दिन छुट्टी कराई जा रही है। जामताड़ा के दो प्रखंड कर्माटांड और नारायणपुर में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। जानकारी के मुताबिक जामताड़ा जिले में सिर्फ और सिर्फ 15 विद्यालय को उर्दू विद्यालय के रूप में सरकारी मान्यता दी गई है। जिस गांव में 80% मुसलमान हैं, वहां के हर स्कूल में ऐसा ही मिड डे मील का चार्ट, और 80% छोड़ दीजिए 70% और 60% वाले गांव का भी यही हाल। ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि शुक्रवार यानी जुमे के दिन मुस्लिम बच्चों को और उनके परिवार वालों को मस्जिद जाना होता है, नमाज पढ़नी होती है। देश के किसी भी राज्य में इस तरह का मजहबी डिस्काउंट नहीं है जो झारखंड के जामताड़ा में बच्चों को मिला है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जामताड़ा में इतना कुछ हो गया और सरकार कह रही है कि हमें खबर तक नहीं। एक सप्ताह का समय दिया गया है, ऑथेंटिक खबर भेजो, क्या है नहीं, उसके बाद जो दोषी होगा कार्रवाई करेंगे। नहीं, दबाव किसका, कौन दबाव दिया, ये नाम क्लियर करें ना, ये किस हो जाएगा, दबाव से कुछ नहीं होता, काम से होता है। एक सप्ताह टाइम दिए, कमेटी बनाएंगे और जांच करेंगे, जांच में दोषी पाया जाए कार्रवाई करेंगे। पूरा जिला से मांगा गया, 2400 जिला से अभी रिपोर्ट मांगा। हाँ, 7 दिन का वक्त चाहिए झारखंड के शिक्षा मंत्री को ये पता लगाने में कि रांची से 200 किलोमीटर दूर जामताड़ा में क्या चल रहा है। इसके बाद सिर्फ उम्मीद ही बचती है कि जांच होगी और कार्रवाई होगी। ये इस तरह की पहली घटना नहीं है जब झारखंड में किसी पाठशाला को धर्म की प्रयोगशाला बनाने की कोशिश हुई हो। झारखंड के गढ़वा जिले में स्थानीय मुसलमानों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने पर रोक लगा दी थी, खबर दिखाने पर कार्रवाई हुई, तब जाकर प्रार्थना की पूरी परंपरा बहाल हुई। सवाल सीधा है, देश के बहुसंख्यक हिंदू भी अगर अपनी धार्मिक आस्था का हवाला देकर मंगलवार की छुट्टी मांगने लगे तो क्या होगा? पाठशाला को धार्मिक प्रयोगशाला क्यों बनाया जा रहा है? जामताड़ा से देवाशीष भारती के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।